हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। जो मेंस का सीजीएल का कर रहे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें टाइम ट्रेन एंड डिस्टेंस का तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों के पास चला गया है। ये 12 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, उससे अगला क्वेश्चन जो 13 नंबर से और सेकंड पार्ट लेके आए आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपके पास? क्वेश्चन में ये है दोस्तों, यहाँ पे जो दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, ठीक है, उनमें तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है आपको। तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्तों? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस हमें पता करना है, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड निकल के क्या आएगा यहाँ से, यानी 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और चूंकि इस टाइम आपको सेकंड में दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, 5/18 लगाएंगे, 5/18 इंटू समय जो दिया गया आपको 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में उसको क्या कर रहे हो, पार कर रही है। जब यहाँ से अगर आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 से ये 9 होगा और ये 2 से कितना हो जाएगा 10, यानी 25 25 देन कितना हो जाएगा 250/9, ये मीटर हो जाएगा। या तो आपका आपका आंसर ये भी हो सकता है, या देखिए आंसर किस में, आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसे निकालिएगा, डिवाइड कीजिए, कितना 9 × 2 = 18 और कितना 7 × 5 = 9 = 63 और 7/9 यानी 27 सही, 7/9 मीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड निकाला गया, मैंने बताया था, जाओ अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही हो तो आपको क्या करना है रिलेटिव स्पीड के लिए, एक्स माइनस वाई कर लीजिएगा। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करेंगे आप, एक्स प्लस वाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों, एक वृत्ताकार पहिए का ब्यास यानी डायमीटर 7 मीटर है, तो 22 किलोमीटर तक चलने में उसे कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी एक इसका जो ब्यास कितना है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितना होगा, ये रहा होगा 7/2 और ये रहा होगा 7/2, यानी ए से लेके वी तक की डिस्टेंस अगर 7 है तो ए से ओ कितना हो जाएगा 7/2, यानी रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 7/2। अगर टोटल चक्कर पूछा जाए आपसे, यानी कुल चक्कर निकालने के लिए, तो क्या करेंगे आप, पता है आपको, डी अपॉन में 2πr लगा दीजिए, ठीक है। डी अपॉन में 2πr, डी जो यहाँ पे है, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना बताइए 22 किलोमीटर, और देखिए यहाँ पर जो रेडियस है आपका ये मीटर में है तो उसे भी आप मीटर पे चेंज कर लेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, ठीक है, इसको 1000 से गुना कर दीजिए आप, और 2π का मान 22/7 लेना है, 7 नीचे आएगा उसको ऊपर भेज दीजिए, और रेडियस जो आपका है 7, फिर से 2 ऊपर चला जाएगा 7/2 का, ठीक है। काटिए उसको, देखिए सीधा कट रहा है, 22 से 22 कट गया, 2 से 2 और 7 से 7, यानी कितना चक्कर हो जाएगा टोटल उसका 1000 चक्कर हो जाएगा, 1000 चक्कर। ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर है। जब भी मतलब सर्कुलर पाथ पे टोटल चक्कर की बात करें तो डी अपॉन में 2πr लगा के आप इसको क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपके पास, एक यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में और 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में और 130 मीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है तो 15 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। देखिए ये कह रहा है, अगर 2 मिनट में, समझिएगा जरा, 2 मिनट में 150 मीटर जा रहा है और 1 मिनट में कितना 40 मीटर जा रहा है, 1 मिनट में, अगर 2 मिनट में कितना जा रहा है वो, सॉरी 2 मिनट में 90 मीटर जा रहा है, ठीक है दोस्तों, 2 मिनट में 90 मीटर जा रहा है और 1 मिनट में 50 मीटर जा रहा है, तो अगर यहाँ से जो निकालेंगे आप कॉमन तो कितना आएगा, 1 मिनट में वो 40 मीटर जा रहा है, 1 मिनट में वो क्या कर रहा है 40 मीटर जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी बोला गया 3 मिनट में 130 मीटर, तो 40 हो जाएगा। अब देखिए उसे क्या किया गया है, वो पहले मिनट में कितना गया था, तो पहले मिनट में 50 मीटर गया हुआ था, तो उसे कुछ कुल 15 मिनट जाने हैं, तो एक में 40 जा रहा है, 1 मिनट में 50 जा चुका है, तो उसे 14 मिनट चलना पड़ेगा, तो 1 मिनट में 40 है तो 14 मिनट में कितना हो जाएगा 560 मीटर होगा, 14 मिनट में वो कितना तय करेगा डिस्टेंस 560, और पहले मिनट में वो 50 मीटर गया था तो अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 610 मीटर उसका क्या होगा आंसर होगा, यानी 610 मीटर ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर।
तो 610 मीटर कौन सा? 16 में है, एक आदमी एक स्थान से एक साथ है, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि उसकी दूरी को पूरे कदमों से तय कर सके, जो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है उसमें। तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। जब मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम लेने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ले तो आप रहे होंगे जैसे भी कर रहे होंगे, लेकिन देखिए अगर एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दो, क्या फैक्टर कर लीजिए, चलिए छोड़िए नंबर हटाइए, क्या सात को इसको 7 × 9 लिख सकते क्या 63 को, और 70 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7 × 10, और यहीं पे 77 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7 × 11। अब एक नंबर जो आपका है 7, ये सब में कॉमन है, तो हमने एलसीएम के लिए उसको 7 लिया, जो कि कोई भी कॉमन नहीं है, 9, 10, 11 कोई कॉमन नहीं है, उसको भी ले लीजिए आप, तो 9 × 10 और 9 × 11। तो देखिए 9 × 7 = 63 होता है, 10 को रहने दीजिए आप, और 63 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, सीधे यूनिट डिजिट रख दीजिए 6, इन दोनों को जोड़ लीजिए आपस में, 9 और 6 रख दीजिए, 10 बचा हुआ था तो 10, यानी कितना मीटर हो जाएगा इसका, 6930 मीटर, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में रखा गया, ये सेंटीमीटर है, सॉरी दोस्तों सेंटीमीटर, चूँकि सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर ऐसे वन डे इस वाला ऑप्शन मैंने आपको यूनिट का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता आंसर के लिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने में तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 सेम पैटर्न के क्वेश्चन आगे भी आपसे पूछे गए हैं, तो देखिए 17 क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक आदमी 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, क्वेश्चन नंबर 17 में है, एक आदमी 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें से उसने कुछ भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलकर और कुछ भाग 16 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल चल के बिताया, तो आपको ये बताना है उन्होंने पैदल में कितनी दूरी यात्रा की। अब मेरी बातों को जरा यहाँ पे समझिएगा, जो भी तरीका से कर रहे हैं आप उसको मैं एलिगेशन के माध्यम से बताऊंगा, जैसे देखिए और साइकिल से, तो ये कितने किलोमीटर से चल रहा है, ये चल रहा है आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चल रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चल रहा है, जिसमें अगर मान लीजिए 7 घंटे, अगर 7 के 7 घंटे वो पैदल ही चले रहते तो कितना डिस्टेंस कवर कर पाता, 56 किलोमीटर, और अगर 7 के 7 घंटे वो साइकिल से ही जाते तो कितना डिस्टेंस कवर करता बताइए, 112 किलोमीटर, और वो कड़ा कितना है एक्चुअल में, डिस्टेंस 80 किलोमीटर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन है। अब इसमें क्या कहता है एलिगेशन, ये रूल कहता है आपको जो बड़े से छोटे की ओर माइनस कीजिए, 56 और 112 में बड़ा कौन है 112, तो इधर से माइनस कीजिए, यानी 112 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 32, और 80 से 56 को माइनस कीजिए तो कितना 10, 4, 6 और कितना बच जाएगा 7, 7 से 5 जाएगा 2। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, 8, 3, 24 और 8, 6, 32, यानी ये आवर हो गया उसको, यहाँ पे कितने टोटल हो गए 4 और 3, 7 घंटे, क्वेश्चन में कितना घंटे बताइए जरा 7, यानी एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1 आ गई, तो अगर आप 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा घंटे, और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7 घंटे, यानी 1 से गुना करेंगे तो ये 3 घंटे हो जाएंगे। आपसे पूछा गया पैदल कितना गया, तो आपसे डिस्टेंस पूछा गया दोस्तों, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा 4 घंटे चलेगा तो कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर, तो वो पैदल गया, अगर आप साइकिल से बात करें तो 3 घंटे और 16 से, यानी 16 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर, वो किससे गया साइकिल से गया। तो आपका जो आपसे आपको जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ये पूछा गया था जो पैदल कितना चला हो, तो पैदल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। इसमें दोस्तों समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइन यानी पैरेलल लाइन की बातें कर रही है, ठीक है, समांतर लाइन यानी पैरेलल लाइन की बातें कर रही है, दो ट्रेनें चल रही है जिनमें एक की गति यानी स्पीड 46 किलोमीटर पर आर और 36 किलोमीटर पर आर है, यदि ट्रेन 36 सेकेंड में पार कर लेती है धीमे चलने वाले को, तो देखिए जब सेम दिशा में चल रही है तो 46 किलोमीटर पर आर और 36 किलोमीटर पर आर, तो रिलेटिव स्पीड कितना निकल के आएगा यहाँ से 10 किलोमीटर पर आर, और जो पार कर रहा है वो 36 सेकेंड लगा हुआ है, तो सेकेंड जब लगा हुआ है तो आप इसको मीटर किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 क्या आ जाएगा
36 सेकेंड, 18 दूनी 36, 10 10 कितना 100 मीटर हो गया, 100 मीटर हो गया। चूंकि ये दोनों ट्रेन की लेंथ है तो आपसे एक की पूछी गई है तो आधा कर दिया, कितना हो जाएगा 50 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 50 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये है, एक कार ड्राइवर बेंगलोर से प्रातः 8:30 बजे चलता है और बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर वाले स्थान पर 12:30 बजे पहुंचने का निश्चय करता है, यानी 12:30 ये 8:30 बजे चलता है और सोचता है जो 12:30 बजे हम पहुंच जाएंगे, लेकिन 10:30 बजे वो देखता है कि उसने केवल 40% दूरी ही तय की, तो उसे समय पर पहुंचने के लिए अपने कार को कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। एक चीज़ समझिए, देखिए कई तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, जो मैं कर रहा हूँ उसको एक मिनट के लिए देखिएगा। ये बताइए जब 8:30 बजे चला, 10:30 बजे उन्होंने देखा कितना 2 घंटे में, तो 2 घंटे में केवल उसने कितनी दूरी तय की थी बताइए जरा। तो बताएंगे सर 300 का अगर आप 40% निकालते हो, 40% का फ्रैक्शन 2/5 तो कितना हो जाएगा बताइए, यानी 120 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटे में तय कर रहा है और आगे 2 घंटे जाने के लिए 300 में से 120 चला गया तो कितना बचा बताइए 180, यानी 180 भी 2 घंटे में जाएगा, तो इसकी डिस्टेंस स्पीड कितनी होगी बताइए 60 किलोमीटर पर आर, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आर। तो यहाँ से कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा उसको, क्योंकि पहले 60 से जा रहा था अब 90 से जाना पड़ रहा है, तो अपनी स्पीड में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे 90 से 60 को तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आर, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी अपनी गति को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, तब वो सही समय पर 12:30 बजे पहुंच जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या था ये सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 40% क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार कर लेगी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यही तो कह रहा है। तो कितने मीटर लंबी ट्रेन है, लंबी जो ट्रेन है वो 300 मीटर लंबी है, तो 300 डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू 54 यानी 54 × 5/18 और समय लिख दीजिए यहाँ पे, तो 18 से कितने 3 बार में जाएगा, 5 × 15 × 30 यानी टाइम बराबर कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। कितने देर में पार कर लेगी तो आप बताइए, ये पार कर लेगी उसे 20 सेकेंड में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समझे था इसको आप लोग। 21 देखिए क्या कह रहा है, इसमें है दोस्तों एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर पर 5 मिनट का विश्राम करता है, विश्राम लेता है, लेकिन 5 किलोमीटर दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा। देखिए प्रत्येक किलोमीटर पे 5 मिनट का विश्राम कर रहा है, सबसे पहले देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो यानी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आर, और टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/10, 1/2 घंटे, यानी इसको मैं क्या 30 मिनट बोल सकता हूँ, बोलेंगे जी सर 30 मिनट बोल सकता हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ, यानी 30 मिनट, उसको 30 मिनट में पूरी डिस्टेंस उसने कवर कर ली। सीधा समझिए, जब वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, यानी 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितना जाएगा 5 किलोमीटर, और 5 ही तो उसको जाना था, तो आधे घंटे का समय लगा। एक चीज़ यहाँ पर ये कहा गया, प्रत्येक किलोमीटर पे 5 मिनट का रेस्ट ले रहा है। देखिए 1 से स्टार्ट किया 2 पे जाएगा रेस्ट करेगा, 2 से स्टार्ट किया 3 पे जाएगा रेस्ट करेगा, 3 से स्टार्ट किया 4 पे जाएगा रेस्ट करेगा, और 5 पे जाके फाइनली वो पहुंच जाएगा। यानी अगर आप देखें तो कितने बार रेस्ट किया टोटल, ये यानी 5 किलोमीटर जाने में 1 बार कम रेस्ट किया, यानी 10 किलोमीटर होता 1 बार कम रेस्ट करता, तो यानी 1 बार में 5 मिनट बैठा है तो 4 बार में कितना बार रेस्ट करेगा 20 मिनट। तो ये भी तो आपको ट्रेवलिंग में ही काउंट आएगा, जो रास्ते में समय लगा उसी में काउंट आएगा, यानी 30 मिनट उसको रास्ते कवर करने में, मतलब स्पीड से जाने में, और 20 मिनट का उन्होंने रेस्ट किया, तो टोटल समय कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 50 मिनट। कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 50 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। ठीक है दोस्तों, 50 मिनट ऑप्शन नंबर बी में था।
अब यहाँ से 2013 के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं मेंस के, अब 2014 के स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज 2014 और 15 तक के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पैटर्न आप लोग देख रहे होंगे जो सेम पैटर्न फॉलो करती है एसएससी, ठीक है। पैटर्न के लिए ये वीडियो लाने का मेन मकसद था जो आप क्वेश्चन का पैटर्न और बिहेवियर को समझ पाए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी आप पेपर देने जाएंगे तो इस प्रकार से अपनी तैयारी को थोड़ा इम्प्रूव कर पाएंगे आप लोग, ठीक है, जितना भी हेल्प हो सके मेरे से। देखिए, एक किसान ने, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। वह कुछ भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे से पैदल और कुछ भाग साइकिल से उन्होंने 9 किलोमीटर प्रति घंटे पर तय की। आपको बताया था यह क्वेश्चन, अभी आपने देखा होगा। तो देखिए, पैदल इसने कितना करा और साइकिल से, तो पैदल जो स्पीड है, साइकिल से दो स्पीड है दोस्तों इसका 9 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही वाली बात कहेंगे आपको, 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो टोटल 9 घंटे में जा रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 घंटे में, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 36, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, यानी 81 किलोमीटर गया होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना गया था 61, एलिगेशन लगा दीजिए, बड़े वाले साइड से माइनस करेंगे ये तो 20 आ जाएगा, और 11 से 6 जाएगा 5, और 5 से 3 जाएगा 2, यानी इसको काट लीजिए 25 25 और 5 चौबीस, यानी टोटल 9 घंटे इज इक्वल टू क्वेश्चन में 9, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1, इसमें गुना करेंगे तो 5 होगा, इसमें गुना करेंगे 1 से तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछा गया किसान ने पैदल कितना चला, इस 4 से 4 को गुना कीजिए कितना आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ये टाइम ही तो निकला था, तो हो जाएगा 16 किलोमीटर उन्होंने क्या करा था, पैदल चल के यात्रा करी थी। अगर साइकिल से पूछा होता तो 9 को आप गुना करते 5 से, यानी कितना हो जाता 45 किलोमीटर, और इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों 61 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या करें, क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक और जो भी चीजें हैं करते रहिएगा, जो मन करे, ठीक है। चलिए, अब ये करें, दो स्थान आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है, ठीक है, तथा अनीता आर से एस की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, और यहीं पे एक और है रोमिता एस से आर की ओर समान गति से चलती है तो 6 घंटे में मिलती है, तो बताइए रोमिता की गति कितनी रही होगी। यानी देख क्वेश्चन में एक बार डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ, यानी इधर से जो जा रही है अनीता, जो इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और इधर से आ रही है रोमिता जिसकी स्पीड है एक्स, मतलब मान लेते हैं, और उन दोनों, देखिए ये तो पता लग गया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा इन दोनों का, प्लस हो जाएगा इक्वल टू, तो ये 6 घंटे में जाके मिल रही है कितने किलोमीटर की दूरी, तो 42 किलोमीटर की दूरी, तो जो रिलेटिव स्पीड निकल गया कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 7 किलोमीटर पर आवर, जिसमें आपको एक की स्पीड 4 किलोमीटर दी गई है, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे कि ये 7 हो जाए, बोलेंगे सर याद आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो रोमिता की स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल मतलब लैंग्वेज का कोई लैंग्वेज अगर समझ लेते हैं तो एक सेकंड का क्वेश्चन था, बिल्कुल दिमाग में लगा 7 6 42 6 6 में 4 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा देखिएगा, अब यहाँ पे ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में, पी और क्यू दो बिंदु भिन्न स्थानों से, यानी अलग अलग स्थानों से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, ठीक है, और उस समय क्यू ने पी से, यानी एक ने दूसरे से 36 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली है, ठीक है। तो आपको इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, देखिए एक की स्पीड थी 30 और एक की स्पीड थी 20, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। अब देखिए P और Q कोई बिंदु रहा होगा, यहाँ से कितना चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से चल रहा है दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो बोला गया 30 किलोमीटर, अच्छा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखिए ये भी 20 चलेगा, ये भी 30 चलेगा, चलेगा ना, एक दूसरे से कितना ज़्यादा चल रहा है, तो 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, क्वेश्चन में कितना ज़्यादा चल रहा है दोस्तों यहाँ से, ये चल रहा है 36 किलोमीटर ज़्यादा, तो यही तो बराबर होंगे इसके,
अगर डिवाइड करेंगे उसको 36 को तो कितना आ जाएगा, टाइम निकल के आएगा आपको 3.6 आर, यानी कितना कवर कर पाएगा जो ज़्यादा चला है, तो 3.6 आर में। अब दोनों की डिस्टेंस पूछी गई है तो दोनों जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड यहाँ से कितना निकलेगा, 30 और 20 कितना होगा 50 इंटू 3.6, यानी 36 पंचे 180, एक अंक के बाद दशमलव कितना हो जाएगा बताओ, 180 किलोमीटर इन दोनों के बीच में क्या रही होगी दोस्तों, तो दूरी रही होगी, और 180 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। चूंकि ये तो पता है ना डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, अगर आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर रहे हो तो समय निकल के आएगा, और समय से हमने टोटल को जो चल रहे हैं उन दोनों लोग उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर, पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 24 था तो ये क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, चलिए इसमें यह है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चल रहा है तो कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से जा रहा है तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देखिए 5 किलोमीटर से जा रहा है, 6 मिनट लेट हो रहा है, जब वो 6 किलोमीटर से जा रहा है तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, बिल्कुल। तो देखिए 5 इंटू 6, इन दोनों का अंतर एक होगा, 6 मिनट देरी से 2 मिनट पहले कितना हो जाएगा 8, और 8 बटे 60 करेंगे आप तो कितना होगा जरा बताइए, अगर ना भी काटे तो 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, सीधा दो बार में, और दो से कटा 8, यानी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रही होगी, जो घर और ऑफिस रहा होगा या घर से स्कूल रहा होगा, ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस रही होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या करें, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, इसमें यह ए बी से दोगुना तेज चलता है और बी सी से तीन गुना तेज चलता है, ए बी से दोगुना तेज और बी सी से तीन गुना तेज चलता है, सी द्वारा 1 से 1/2 घंटा, देखिए 1 से 1/2 मतलब क्या, 1 घंटा 30 मिनट, यानी सीधे उसको 90 मिनट बोल सकते हैं आप। देखिए ए बी और सी, ए जो है बी से दोगुना है, यानी एक होगा तो ये दो हो जाएगा, स्पीड की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन एक को लाइन आउट बोला गया आपसे, जो बी है वो सी से तीन गुना तेज है, बी जो है सी से तीन गुना तेज है, तो अगर इसको एक लेंगे तो ये तीन लेना पड़ेगा, सीधा मान लीजिए ना, अगर फिर पहले सी को मान लेट कर लीजिए, सी अगर एक होगा तो ये तीन होगा, ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि डबल ही तो बोला गया था उसका। अब यहाँ पे बात ये है दोस्तों, जब स्पीड का रेशियो आ गया तो टाइम के लिए क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो, कैसे 18 6 3, अच्छा 6 भी ले सकते हैं आप इसका एलसीएम, 6 ले लीजिए, तो कितना होगा देखिए 6 को 6 से भाग करेंगे कितना होगा, टाइम निकल के 1 आएगा, 3 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा 2, जब 1 से 6 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, यानी हमारा जो स्पीड का टाइम का रेशियो होगा 1:2:6। अब ये कह रहा है जो सी है ना, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, यानी कितना 2 3 3/2 कितना डेढ़, यानी डेढ़ कितना होता है, डेढ़ मतलब 1 और आधा, यानी 60 और 30 कितना 90, 6 बराबर 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, 1 का पूछा गया है यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये ने कितना समय लिया होगा, तो ये 15 मिनट लिया होगा, 15 मिनट ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।